आपके साथ शेयर करूंगा तो अच्छा लगेगा। I don't believe this, mom. ये हलवा गंगा दी ने बनाया है। इसमें तो आपके हाथ का टेस्ट आ रहा है। तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। पता आप मुझे थोड़ा नाराज है क्योंकि मैं बोर्ड मीटिंग बीच में छोड़कर आ गया। विकी, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तू मेरी बात को समझ रहा है। रिश्ते और काम के बीच में बैलेंस बनाना तू बहुत जल्द सीख जाएगा। और तू जो भी करेगा अच्छा करेगा। I understand, mom. और फिर डैड मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर गए और डैड भी यहाँ नहीं है तो फिर इसमें आपका चिंता करना तो ठीक है। आपकी चिंता में आपका प्यार झलकता है। And I promise you, mom, कि ये financial year recession के बाद भी हमारे लिए बहुत अच्छा गुजरेगा। विकी, हाँ मॉम, पानी पीना तो भूल ही गया। ये ले। विकी, मुझे पूरा यकीन है एक दिन तू बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा। लेकिन अपनी काम की जिम्मेदारियों में अपनी सेहत का ध्यान रखना मत भूल जाना, वरना मैं सच में बहुत नाराज होंगी। मॉम, मेरा और मेरी सेहत का ध्यान रखने के लिए आप जो है जाके सोचे। गुड नाइट मॉम। यू नो वाणी, आज माँ को बहुत मिस कर रहा हूँ। माँ जब वैष्णो देवी जा रही थी मैंने तो भगवान का शुक्र अदा किया, दो तीन दिन के उनसे पीछा छूटा। लेकिन आज उनकी चक्कर बहुत मिस कर रहा हूँ। ऐसे लग रहा कि बहुत समय से समय लेट हो रहा है। विकी का अपने कमरे में होगा शायद। और विकी से कहना ऑफिस पहुंच जाए। कल की जो बोर्ड मीटिंग थी वो प्रीपोन होगी आज शाम 5 बजे के लिए। इशू दिख दो ऑफिस। मैं कह दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, आराम से खाइए। देर हो रही है। आज संडे के दिन आदित्य मीटिंग, जरूरी काम है। विकी से कह देना प्लीज। मैं कह दूंगी। विकी की मीटिंग प्रीपोन हो गई है। विकी को अगर गलत लगता है विधाता भी मेरे साथ है। क्या हुआ गंगा, मूड खराब है? क्यों नहीं होगा, तुम संडेज को भी दुकान पर जा रहे हो। I'm sorry, गंगा, केटरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, कैंसिल नहीं कर सकता प्लीज। ऋषि, लेकिन आज हमारा दिन है ना घूमने फिरने का। आई नो गंगा, आज हमारा दिन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, अगर कैंसिल कर सकता तो कर देता, प्लीज समझो ना। आई नो ऋषि, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं घर पे बैठे बोर हो जाती हूँ। बोर हो रही हो? सच में? एक काम करते, तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हें जाते हुए बानी मॉम के पास छोड़ दूंगा,
और जैसे ही काम खत्म होगा तो मैं वहां से ले आऊंगा और फिर हम घूमने चलेंगे, ठीक है? यू नो मिस्टर ऋषि त्यागी, जब तुम ऐसे इंटेलिजेंट बातें करते हो ना, तब मुझे तुम पर बहुत प्यार आता है। और जब ऐसी बातें नहीं करता हूं तब कुछ खास नहीं। अच्छा, कुछ खास बताऊं? क्या? अरे बात तो सुनो। ऋषि, तुम्ही ने कहा था ना कि तुम मुझे मामा के पास ड्रॉप करोगे, अब छोड़ो तैयार होने, तो मुझे लेट हो रहा है। एक मिनट बात सुनो, बैठो तो सही। ऋषि, ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश मत कर। गंगा, सुनाली। क्या बात है, आजकल तो टच से ही पहचान लेते हो। आज शावर की बात बहुत हॉट लग रही है। आज तुम्हें मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? डार्लिंग, प्यार तो रोज आता है, पर आज कुछ स्पेशल, क्योंकि आज तुम और मैं लोनावला जा रहे हैं। लोनावला? क्रेजी व्हाट? लिसन, वी आर नॉट गोइंग, वी आर नॉट गोइंग। डार्लिंग, नथिंग डूइंग, हम लोनावला जा रहे हैं, एंड दैट्स एन ऑर्डर। मुझे ऑफिस जाना है। विकी, विकी तुम गए? विकी नहीं, ऐसा मत बोलो। कहाँ चला गया? मैसेज छोड़ देती हूँ। कल की मीटिंग कैंसिल, वो मीटिंग आज शाम 5 बजे, बानी माँ। कैसे पता करेगी मॉम बाहर गई कि नहीं गई? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे तो मना किया था ना बाहर जाने से। तो माँ ने बेटे को याद दिलाने के लिए मैसेज छोड़ा, पर बैग लग पानी विक्की से पहले पेपर जिज्ञासा के हाथ लग गया। अपना रहेगा मैसेज, अपना होगी मीटिंग। विक्की, बाहर कुछ आवाज नहीं आ रही है, शायद पानी आंटी चली गई। तुम एक काम करो, तुम ये रुको, मैं देखता हूँ। हमें यहाँ देख लेती ना तो तुम जानती हो कितनी awkward सिचुएशन होती है। और सुना, कम ऑन, ये वाड़ो वाड़ो। अरे अरे, चलो एक मिनट, एक मिनट डार्लिंग, एक मिनट।
प्रॉब्लम सॉल्व. गुड न्यूज, बानी आंटी सच एन एंजल. तुम्हारी सारी मीटिंग्स परसों तक पोस्टपोन हो चुकी है. सो यू डोंट हैव एनी मोर एक्सक्यूजेस मिस्टर. ये लो नंबर 4. हेलो, सोच क्या रहे हो? तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है. गेट रेडी क्विकली, नो एक्सक्यूजेस. ओके, हम लोनावला जा रहे हैं, दैट्स फाइनल. अब आएगा असली मजा. अब देखेंगे कि बोर्ड मेंबर्स कैसे रिएक्ट करेंगे और मीटिंग में विक्की के ना पहुंचने का इल्जाम आएगा वन एंड ओनली मेरी प्यारी पानी पर. जी हाँ विक्की साहब, मीटिंग तो बीच में छोड़ के चले जाया करते थे, लेकिन अब तो उसने हद ही कर दी. आज वो मीटिंग में आए ही नहीं. आई एम सॉरी टू से मिस्टर आदित्य, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हमारे 49% की पार्टनरशिप विड्रॉ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे. आप शांत हो जाइए, आई प्रॉमिस यू सब ठीक हो जाएगा. मिस्टर आदित्य, आप मार्केट की कंडीशन अच्छी तरह से जानते हैं. हमें जो कहना था वो हम कह चुके हैं. आज 5 बजे की मीटिंग 2 बजे प्रीपोन की गई थी, फिर भी विकेश साहब नहीं आए. हो सकता है उसे ना मिले. ओके ठीक है, 5 बजे. लेकिन ये विक्की के लिए आखिरी मौका है. अगर विक्की इस मीटिंग में नहीं आया तो हम भूल जाएंगे कि हम इस कंपनी में थे. विक्की को आने को 3 घंटे बाकी है, सिर्फ 3 घंटे. जस्ट रिलैक्स, मैंने कहा ना आई विल हैंडल दिस. मुझे एक मौका और दीजिए प्लीज. केवल इसलिए कि विक्की मिस्टर वाले का बेटा है, हम चुप नहीं बैठेंगे. आदि अंकल. हाँ बोलिए आदि अंकल. बानी विक्की घर पे है? नहीं, विक्की तो ऑफिस पहुंच रहा होगा, मैंने उसे मैसेज दे दिया था. बानी वो जहाँ भी है उसे जल्द से जल्द यहाँ भेजो, यह मामला बहुत सीरियस है. He has to get here as soon as possible. क्या हुआ है, आप इतने परेशान क्यों साउंड कर रहे हैं? विक्की के बार बार ये मीटिंग स्किप करने की वजह से सारे बोर्ड मेंबर्स का उस पर विश्वास हो गया. अगर विक्की आज यहाँ नहीं आया ना, सारे बोर्ड मेंबर्स ने थ्रेटन किया कि वो अपने शेयर लेके वॉक ऑफ कर जाए. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए, मैं देखती हूँ वो कहाँ है. पता लगा और उसे यहाँ भेजो. मैंने विक्की को मैसेज तो दे दिया था, फिर वो ऑफिस क्यों नहीं पहुंचा? Let me take it. Hello. Can I talk to Mr. Vicky Valia, please? I think you've dialed the wrong number. अरे, अरे, switch off क्यों कर दिया? Baby, silent पर डाल दो. नहीं, क्योंकि आज Sunday है. Sunday no phone calls, no work. I'm the boss. Okay. Vicky, Vicky, कहाँ चला गया ये लड़का? Message तो यही है. Message उसने देखा भी है या नहीं? फोन लगा थी उसे. The number you are trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. SMS भी नहीं कर सकते, पहुंचेगा ही नहीं. विक्की बिना मैसेज भी नहीं. मीटिंग परसों के लिए पोस्टपोन हो गई है. पानी माँ, ये मैसेज तो मैंने लिखा ही था. और ये हैंडराइटिंग, ये हैंडराइटिंग तो जिज्ञासा आंटी की है. तुमने मुझे बुलाया बानी? पकड़ लिया बानी, मेरी असलियत तुम्हें पता चल गई. ओह गॉड, मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे साथ ननद भाभी का प्यारा नाटक खेलना चाहती थी, लेकिन नहीं,
कुछ दिनों तक मैं तुम पर अपने झूठे प्यार की बरसात करना चाहती थी बानी, लेकिन तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और देख ली मेरी असलियत। जाने दो, अब तुम असलियत जान ही चुकी हो तो मैं तुम्हें खुलेआम बोल दूं फिर से एक बार, इस जन्म में मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती। और मेरे ख्याल से एक बात तुम नहीं जानती, लोड़ी की आंख के सामने मैंने एक प्रण लिया तुम्हें बर्बाद करने का प्रण। मीरा के साथ महाभारत के युद्ध में बानी मैंने कृष्ण बनकर तुम्हारा साथ दिया था, इस बार मैं फिर से एक बार महाभारत ले चुकी शकुनी बन इस्तेमाल करूंगी तुम्हारे पर। वैसे कहते हैं कि रूल के हिसाब से युद्ध की रचना दुश्मन को बताई नहीं जाती, लेकिन मैं अपने दुश्मन को यानी कि अपनी युद्ध की रचना बताऊंगी। मैं तुम्हें बताऊंगी अपनी चाल के बारे में, लेकिन ये नहीं बताऊंगी कि वो चाल में कैसे चलूंगी। Let's have an open war, मैं आपकी पहली चाल कितनी तेज में आ रही हो विकी। मीरा का बेटा है तुम्हारी सौत का बेटा, तुम्हारी और मेरी दुश्मन मीरा, वो बर्बाद हो जाए तो नहीं। विकी मेरे लिए मेरा बेटा और मैं आपको उसे कुछ नहीं करने दूंगी। नहीं नहीं बानी, तुम ये मुझे नहीं बताओ, क्योंकि मुझे जो करना है वो मैं कर चुकी हूँ और मैं करूंगी। मैं अपनी चाल चल चुकी हूँ बानी, विक्की को बचाना चाहती हूँ तो ध्यान से सुनो। विक्की ऑफिस की मीटिंग छोड़कर शोनाली के साथ कहीं घूम रहा है, उन्होंने कहा है ये सिर्फ मैं जानती हूँ लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैंने विकी के पास के बारे में कुछ प्यार से बोल दिया, हो सकता है कि वो वालिया इंडस्ट्रीज से अपने शेयर्स निकाल ले, हमारी कंपनी बर्बाद हो सकती है। भाई मुझे समझ में नहीं आता तुम क्या क्या करोगे, तुम कंपनी बचाओगी या विकी को? जय भैया भी तो नहीं है, कौन जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझाने के लिए? बानी ये सब करने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है, सिर्फ 3 घंटे हैं। मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, मैं ये वॉच सेट कर देती हूँ तुम्हारे, 10 मिनट में तुम ऐसे ही जाया कर चुके, यू डोंट हैव मच टाइम। जिज्ञासा आंटी कभी नहीं बदल सकती, लेकिन अपने विकी को कैसे बचाऊं? हे भगवान, वक्त बीता जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैंने विकी के पास के बारे में कुछ प्यार से बोल दिया है, हो सकता है कि वो वालिया इंडस्ट्रीज से अपने शेयर्स निकाल ले, हमारी कंपनी बर्बाद हो सकती है। समझ में नहीं आता तुम क्या क्या करोगे, तुम कंपनी बचाओगी या विकी को? यू नो व्हाट बानी, ये सब करने के लिए तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है, सिर्फ 3 घंटे हैं।